तो हेलो आमा, सॉरी हम आ गए हैं अपना हेलमेट रैप करवाने। एकदम धासु लुक लगेगा हेलमेट का, आप देखिए चीप बजट में होगा। आप किसी को भी करवाना हो तो इधर आ सकते हैं। लुक सोनापुर में ही है, सोनापुर के डिमोरिया के लोग आ सकते हैं। बाकी कहीं और से भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मैं मास्क खोल लेता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। इधर बाइक का पेपर जो पहले लगाया हुआ था वो उतरवा रहा है, उसके बाद शुरू होगा। ओके, एक्चुअली ये दुकान सोनापुर में ही है, दास ऑटो हब बोल के हमारे और भैया का है। तो यहाँ पे आपको जैसा भी ग्राफिक्स करवाना हो तो इधर ज़रूर आना। हमारा हेलमेट अभी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हम इस पर 5D कार्बन लगाने वाले हैं। क्या सेक्सी लुक आएगा। पहले मतलब मैंने घर पे ही ग्राफिक्स करवाया था तो पहले रिमूव कर रहे, उसके बाद नया ग्राफिक्स बैठेगा इसके ऊपर। बाकी है बस ये इनको उतारते ही हमारा नया ग्राफिक्स आ जाएगा। यह और मैंने जैसे सोचा है अगर वैसा हो जाता है तो एकदम सेक्सी लुक आ जाएगा हेलमेट का मेरा। बहुत गर्मी हो गया, स्टिंग पी लेते उसके बाद जाएंगे उधर। वही पेट्रोल से इसको मतलब खींचा जाएगा। जो पहले का ग्राफिक्स था उसका मतलब गम जो होता है ना वो लगा रहता है, तो उसके लिए पेट्रोल से मतलब वो उठ जाता है तो उसके बाद फिनिशिंग अच्छा आता है। इसीलिए इसको साफ करने के बाद नया ग्राफिक्स आ जाएगा इसके ऊपर। ये है वही पेपर 5D कार्बन। पहले सोचा था मैंने कि स्मोक ब्लैक लगा लेता हूँ, लेकिन स्मोक ब्लैक में इतना अच्छा नहीं आता। फिर एक हेलमेट का ऐसा फ़ोटो मिला, 5D कार्बन लगाया हुआ था, उसमें भी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी लगा लेता हूँ। जब तक ये काम चल रहा है तब तक आप लोग टाइम लैप्स इन्जॉय कीजिए। जब पूरा हो जाएगा तब बाकी का वीडियो मैं दिखाऊँगा, अभी के लिए बस टाइम लैप्स। थोड़ा हो गया और है बाकी अभी तक बहुत। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा इस तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर भाई, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। नया नया कंटेंट आता रहेगा इसके बाद। और अगर कुछ भी अच्छा लगा तो एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। यहाँ पे हर तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं है मतलब ग्राफिक्स हर तरीके का हो जाता है। ग्राफिक्स के मतलब ग्राफिक्स का जो भी मॉडिफिकेशन करना हो वहाँ पे सब हो जाता है। सब पेपर है इधर, जो भी चाहिए आपको ग्राफिक्स का पेपर। और उस दूसरे दुकान में भी और है बहुत सारा आइटम। और अगर आपको नंबर प्लेट या फिर कुछ भी स्टिकर बनवाना हो तो सब हो जाता है इधर। नंबर प्लेट भी होता है इधर बनाना। भैया का वहाँ पे फ़ोन लाइन पे बात कर रहे हैं किसी से, ब्लूटूथ से बात कर रहे हो, बात करके काम कर रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, बाकी जो भी होता है आप सबको दिखाऊंगा। बस तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना।
तो हमारा हेलमेट अब पूरा तैयार हो गया है। ये देखिए, इसमें साइड में थोड़ा रेड कलर मार दिया मैंने, क्योंकि फुल अगर कार्बन फाइबर लगा दूंगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पीछे में भी थोड़ा रेड है, कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। अभी एक ग्लास मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ये जो ग्लास है इसमें बहुत स्क्रैच पड़ गए हैं, और इसमें एक मैं छोटा सा यहाँ पे स्टिकर लगाऊंगा यूट्यूब का नाम पे। तो घर पे वो नया वाला ग्लास है, तो मैं वो घर पे जाके नया वाला ग्लास लगा के फिर आपको पूरा एकदम अच्छे से। अगर यहाँ पे थोड़ा ब्लैक कलर का एक बीट मार दिया, क्योंकि अगर जो पेपर है ना, पेपर थोड़ा मोटा है, अगर ये बीट नहीं मारता तो पेपर उठ जाने का रिस्क था, इसीलिए ब्लैक छोटा छोटा इधर दिखाई दे रहा होगा, एक ग्रिप मतलब बीट मार दिया। बाकी हेलमेट एकदम मस्त आ रहा है। मैंने सोचा था कि नया हेलमेट ही ले लूँगा, पर बेकार में नया हेलमेट लेने का क्या फ़ायदा ना, ये हेलमेट ऐसे भी अच्छा ही है। इसका पेडिंग जो है, पेडिंग भी बहुत अच्छा है, इसको निकाल के मैं धो भी सकता हूँ गंदा होने से। तो बेकार में अगर सस्ते में नया हेलमेट ही, इसको पुराना वाले को ही नया बना सकते हैं, तो बेकार में नया लेने का क्या फ़ायदा। बस ये हो गया, सीधा घर जाऊंगा, घर पे जाके इसका अच्छे से वीडियो बना के दूंगा। तो बाय बाय।